लाइफ क्रेजी व्लॉग में आप लोग का स्वागत है और एक नए व्लॉग के साथ और एक नए सफ़र में। तो अभी मैं जा रहा हूँ चिकनौटा अपनी फ़ोटो निकलवाने फ़ोटोशॉप से, और चलते हैं फ़ोटो दुकान पे और निकालते हैं अपनी फ़ोटो, निकलवाते हैं, तो देखते रहिए। और अभी हम फ़िलहाल अपनी साइकिल से चल रहे हैं, और ये रही साइकिल, दिखाते हैं आप लोगों को। ये रही हमारी साइकिल जिस पर हम बैठे हैं, और ये कुछ हमारे गाँव का दृश्य ऐसा है, ये देख सकते हैं हमारे बिहार का सीन कुछ ऐसा है। तो चलते हैं साइकिल से ही और मिलते हैं आपको फोटोशॉप की दुकान पे। तो चलिए, और ये हम साइकिल से अपने चल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, धीरे धीरे साइकिल चल रही है हमारी, और साइकिल पे चल के हम व्लॉगिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और ये कुछ आगे का सीन ऐसा है, आप देख सकते हैं आप लोग, ये आगे हम बस्ती में, गाँव में, चिकनौटा गाँव में, घनी आबादी क्षेत्र। तो अभी हमें इधर से निकलना होगा, और अभी हम दूसरे रास्ते में आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि, और आगे से हम लेफ्ट लेंगे। ये अभी हम घूम चुके हैं, अपनी साइकिल को मोड़ लिया हमने, और इस गांव में चलते हैं। और ये अभी हम एक पड़िया वाले रास्ते में, दोनों साइड से बांस लगा हुआ है, और ये हमारी साइकिल चलते हुए। और अभी हम बसवट्टी में पहुंचने वाले हैं, और इधर कचरा फेंका जाता है, कुछ ऐसा सीन बसवट्टी का, दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए। और अभी हम मंदिर पे पहुंच चुके हैं, और ये रहा मंदिर हमारा, मंदिर वाले रास्ते में। और अभी हम पेठिया में पहुंचने वाले, जहां बाजार लगता है सब्जियों का, दिखाते आप लोगों को। साइकिल से व्लॉगिंग करने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तब भी बना रहे हैं हम व्लॉग। इधर ही हमारी सब्जी मंडी लगती है। आई होप आप लोगों को व्लॉग हमारा पसंद आ रहा होगा, लाइफ क्रेजी व्लॉग्स। ये देख सकते हैं आप लोग, सब्जी मंडी धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो चुकी है, आलू आलू प्याज व्याज रखा हुआ है, और ये आपके सामने लिखा हुआ चिकनौटा, चिकनौटा वैसे होता है। और अभी हम फोटोशॉप की दुकान पे पहुंचने वाले हैं, जस्ट थोड़ा पीछे ही है, और आगे बाजार है, ऑटो ऑटो लगा हुआ है, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देख सकते हैं ऑटो ऑटो लगा है, इसी बाजार में मैं घुसना है फिलहाल तो अभी, और फोटो निकलवाते और चलते हैं। ये देखिए कितना ऑटो स्टैंड है ये बिहार में, हमारे गांव में ऐसे। तो कैसे कैसे हम वीडियो बना पा रहे हैं आप लोगों के लिए, देख सकते हैं आप लोग, बड़ी मेहनत से। इसी के अंदर अभी हमें जाना है, फोटो निकलवाते हैं दुकान इसी के अंदर अभी तो फिलहाल। ये जो आप डब्बे पे नंबर देख रहे हैं, इसी नंबर पे बोला फोटो व्हाट्सएप करने के लिए, और व्हाट्सएप करते हैं फोटो, तब फोटो निकाल लेंगे अंकल, देखते रहिए। और अभी मैं दुकान में बैठा हुआ हूँ और व्लॉगिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने नंबर पे फ़ोटो व्हाट्सएप कर दिया, और मेरी फ़ोटो कंप्यूटर पे आ चुकी है, और थोड़ी ही देर में मेरी फ़ोटो की एडिटिंग चालू हो जाएगी, देखते रहिए आप लोग। आप लोग देख सकते हैं मेरे फ़ोटो की एडिटिंग चालू हो चुकी है, और फ़ोटो एडिटिंग होते ही हम लोग फ़ोटो हाथ में लेते हैं और घर को चलते हैं, तो देखते रहिए आप लोग। और आप लोग ये देख सकते हैं अंकल मेरी फोटो को जूम करके एडिटिंग कर रहे हैं, देखिए आप लोग।
अभी मेरे फ़ोटो की एडिटिंग ख़त्म हो चुकी है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और फ़ोटो प्रिंटआउट से निकलने वाला है, तो देखते रहिए आप लोग। और अभी फ़िलहाल आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, मेरा फ़ोटो तैयार हो चुका है और अंकल अभी फ़ोटो की कटिंग कर रहे हैं, और कटिंग करने के बाद वो फ़ोटो डालेंगे पन्नी में और फ़ोटो लेते हैं और चलते हैं घर को। और अभी फ़िलहाल अभी हमारे हाथ में फ़ोटो आ चुकी है, और अंकल के लिए हमने जेब में से पैसे निकाल लिए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे हाथ में पैसा है, 2500 रुपये है मेरे फ़ोटो का। तो अभी मैं फ़िलहाल घर पे आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरा फ़ोटो निकलवाने गया था चिकनौटा, और फ़ोटो निकल चुका है। आप लोगों ने देखा प्रोसेस क्या था, और फाइनली आपको कैसा व्लॉग लगा हमें कमेंट करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए लाइफ क्रेजी व्लॉग्स, और लाइक करें कमेंट।